हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। इसे बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब हम इस तेल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 4 हरी मिर्च, हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, 10 से 12 कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को भी मैंने बारीक काट लिया है। इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। इसे हम मिला लेंगे और प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। प्याज अब थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें 1 छोटा गाजर डाल देंगे। तो गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके लिया है। 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक काट करके लिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए इन सभी चीजों को हम भून लेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसे मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे हम इसमें। अब हम इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम एक बार मिला लेंगे और इस पानी में हम उबाल आने देंगे। अब पानी में उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। जितना हम सूजी लेंगे उसके 2 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है तो 2 कप हमने इसमें पानी डाला है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम लगातार चलाते हुए डो के फॉर्म में आने तक पकाएंगे। ये देखिए, ये 2 के फॉर्म में आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम 1 प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम इस तरीके से दबाते हुए थोड़ा इसे हम लंबा कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं। हम इसे इस तरीके से बना लेंगे। आप इसका शेप जैसा रखना चाहते हैं वैसा इसे बना सकते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है और तेल अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ये 1-1 करके डाल देंगे। और थोड़ी देर हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे और इसी तरीके से पलटते हुए हम इसे गोल्डन होने देंगे। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए ये गोले हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी का नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।